दोस्तों, ये है नथिंग फोन 2A एंड बहुत सारे लोगों से सुना है कि काफी अच्छा फोन है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा इस फोन के बारे में जो आपको डेली यूजेस में थोड़ा परेशान कर सकती हैं। वैसे फोन देखने में कमाल का है, बाकी अगर सभी दूसरे फोनों से कंपेयर करें तो ये सच में अलग ही दिखता है। लेकिन एक सबसे ज्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम बताऊं, ये गंदा बहुत होता है यार। और दूसरी प्रॉब्लम जो इसके बैक पैनल में है, ये ग्लास जैसा तो दिखता है लेकिन है ये प्लास्टिक। अब प्लास्टिक है तो स्क्रैचेस भी आएंगे और इसको साफ करने के लिए जितना ज्यादा रगड़ोगे तो उतनी जल्दी ये खराब हो सकता है। और बैक कवर लगा लोगे ना तब भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, क्योंकि कवर लगाने के बाद भी आप सभी जानते हो कि निशान तो तब भी आ जाते हैं। तो कब तक ये फोन ऐसा चमकदार रहेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर व्हाइट कलर वाला फोन लोगे तो उसमें उंगलियों के निशान तो नहीं दिखेंगे, लेकिन स्क्रैचेस तो तब भी बनेंगे और पुराना वो भी होगा, तो अब वक्त ही बताएगा। तो चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लो। ये IP54 की रेटिंग के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत पानी के छींटे तो आराम से संभाल लेगा, लेकिन पानी में डुबा नहीं सकते। इसमें डुअल सिम लगा सकते हो, लेकिन मेमोरी कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। NFC तो है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। और सामने इसके ना गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, तो इस प्राइस में ठीक ही है। बाकी फोन हाथ में पकड़ने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और ये 25,000 का फोन है पर देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चलो एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको बताता हूँ। इसके पीछे जो ग्लिफ लाइट्स है ना, देखने में तो ये बढ़िया लगती है, लेकिन हाँ, इसकी वजह से आप इस फोन को खरीद मत लेना, क्योंकि इसके लाइट्स में इश्यूज तो हैं और डेली यूज में ये इतना काम भी नहीं आती है। समझाता हूँ, तो प्रैक्टिकल यूजर्स बताता हूँ, जब आप म्यूजिक सुनते हो ना तब वॉल्यूम के लेवल को चेक करने में ये बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन या कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा ना, तब उसके लिए ये बहुत काम आएगा। बस अब स्विगी जोमेटो उबर से ऑर्डर की बात है, तो उस टाइम पे ना ये लाइट्स ठीक से काम ही नहीं करती, कभी ये सही बताती है और कभी नहीं, तो ये दिक्कत है। अब देखो, कुछ टाइम ये लाइट्स को चमकाने में तो बहुत मजा आता है, और कंपनीज जब आती है ना इसे लेकर, तो बहुत ही ज्यादा हल्ला मचाती है कि हमारे में ये फीचर है वो फीचर है, लेकिन सच में एंड यूजर को ना कुछ टाइम बाद कोई फायदा ही नहीं होता इन सब चीज से। तो चलो, मैंने अब डिजाइन के तो सारे पंगे बता दिए, लेकिन इससे ज्यादा दिक्कत तो इसके डिस्प्ले में है। तो इसमें 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, और डॉल्बी विजन HDR भी है, लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेज़न में HDR का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, तो इस प्राइस में सुनने में तो सही लग रहा होगा, नहीं? अच्छा ठीक है, इन सब से तो काम चल जाएगा, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम जो है वो इसकी ब्राइटनेस को लेकर है, क्योंकि इसकी जो टिपिकल ब्राइटनेस है ना वो 1100 निट्स की है, और पीक ब्राइटनेस जो है वो 1300 निट्स की है, तो इस प्राइस में ये इतनी ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि सेम प्राइस में पोको 1800 निट्स दे रहा है, रेडमी नोट 13 प्रो है वो भी 1800 निट्स दे रहा है। तो अगर आप मान लो कि दिन में बाइक चलाते टाइम आपको मैप देखना है या कोई मैसेज पढ़ना है, तो डायरेक्ट सनलाइट में ना आपको देखने में दिक्कत जरूर आएगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि इसमें Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर मिलता है, LPDDR4X RAM है और UFS 2.2 की स्टोरेज है। तो इस प्राइस में ये जो प्रोसेसर है ये इतना पावरफुल तो नहीं है, और ये जो फोन है ना ये कभी कभी लैग भी होता रहा पहले, लेकिन अभी अपडेट आने के बाद ये थोड़ा बहुत तो सही जरूर हुआ है। लेकिन अब गेमिंग की बात करें तो BGMI पर स्मूथ पर एक्सट्रीम सेटिंग तो मिल जाती है। और अब गेम प्ले देखो इसका, इस फोन के साथ आप कितनी भी देर गेम खेल लो 60 FPS को अभी भी ये टच नहीं कर पा रहा है। और हाँ, अभी भी इसके FPS जो है वो ड्रॉप तो होते ही हैं, एक एवरेज अगर आपको बताऊं तो 45 से 50 FPS के आसपास मिल जाता है आराम से। तो सारे अपडेट होने के बाद भी इस प्राइस में ये सिर्फ नॉर्मल काम करने के लिए ही है, गेमिंग के लिए ये फोन अभी भी रिकमेंडेड तो नहीं रहेगा। बाकी सेम प्रोसेसर के साथ दूसरा एक और फोन है जो इससे ज्यादा बेटर गेमिंग कराता है, IQ Z9। अगर आपको गेमिंग के लिए बस फोन चाहिए तो आप उसके साइड देख सकते हो। चलो अब आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ। जब आप कोई भी फोटो क्लिक करोगे ना और तुरंत ओपन करना चाहोगे तो ये फोन उसको करने नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है इमेज दिखाने में। और परफॉर्मेंस डाउन होने का एक और रीजन है कि इसमें यूज हुई है 2.2 स्टोरेज जो थोड़ी स्लो होती है। अगर यहीं पर ये 3.1 स्टोरेज दे देते तो शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी। बाकी हाँ, एक अच्छी बात है, इसकी जो बैटरी है ना वो बहुत कमाल की है। इसमें जो 5000mAh की बैटरी है ना वो पूरा दिन आपके फोन को आराम से चला देती है, 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देती है।
और ये ना 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो एक घंटे में आपका जो फोन है वो फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपको शायद पता होगा कि इस फोन के साथ चार्जर नहीं आता है, तो ये अलग खर्चा होता है। बाकी इस फोन का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो इसका सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस प्राइस में ना ये जो फोन है अपने सॉफ्टवेयर की वजह से बिल्कुल अलग ही बन जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है, प्रॉपर ऑप्टिमाइज भी है और इसके ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मस्त लगते हैं। और इसमें वैसे एंड्रॉयड 14 मिलता है जो 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट के साथ आता है, और इसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत अलग फीचर्स के साथ भी आता है। जैसे पहला, इसमें वन हैंड मोड मिल जाता है, और दूसरा, सभी फोन के जैसे पावर बटन को 2 बार दबाने से इसमें कैमरा ओपन तो हो जाता है, लेकिन आप चाहो तो नथिंग में कुछ भी सेट कर सकते हो। जैसे गूगल पे को सेट कर दिया तो 2 बार दबाते ही तुरंत जीपे ऑन हो जाता है। और तीसरा, इसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कभी गलती से नोटिफिकेशन बंद हो गया तो सारी हिस्ट्री आपको वापस मिल सकती है। और ये सबसे बेस्ट है, इसमें आप कोई भी कॉल को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो बिना अनाउंसमेंट के, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल भी क्यों ना हो। और इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको डेली यूज में बड़े काम आते हैं। तो चलो अब बात करते हैं इसके कैमरास की। इसमें 2 ही कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS के साथ, और दूसरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अब फोटोज की बात करें तो मेन कैमरे की जो इमेजेस है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, कलर्स भी ठीक ठाक ही निकाल देता है, डिटेल्स भी मिस लगती हैं कभी कभी, तो इसके साथ ना उतना ज्यादा फिक्स नहीं है इमेजेस के मामले में, कभी ये इमेजेस अच्छी निकालता है कभी ये बुरी निकालता है, तो कुछ पता नहीं चलता। पोर्ट्रेट्स के मामले में देखोगे तो वही हाल है, कभी फोकस मिस करता है तो कभी अजीब सा ब्लर निकाल देता है बैकग्राउंड में। और लो लाइट्स की बात करोगे तो यहाँ पर भी ना काम खराब ही है, कभी अच्छी इमेजेस आती है और कभी अजीब सा कलर ही गायब कर देता है। थोड़ा बहुत लाइट्स होगी तो ठीक काम करेगा, पर ज्यादा लो लाइट्स में तो इससे उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं इसके वीडियोस की। ये 4K में 30 FPS में तो शूट कर लेता है, और ज्यादा नहीं हिलाओगे तो OIS ठीक से काम कर जाता है, लेकिन ज्यादा मूवमेंट हुई हाथ में तो अजीब से इफेक्ट आ जाता है वीडियो में, और कभी कभी ना इसमें फोकस का भी इशू दिखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखोगे तो कैमरा इसका उतना ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, काम चल सकता है, मे बी अपडेट से ये ठीक हो सकता है, बट कब तक होगा इसका कोई आइडिया नहीं। तो फाइनली बताऊं तो ये फोन ना ओवरऑल तो बढ़िया है, बस इसमें जो छोटे मोटे इश्यूज हैं उसे बस अपडेट से फिक्स करने की जरूरत है नथिंग को। एंड जैसे सॉफ्टवेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल यूज के लिए फोन चाहिए उनके लिए बेस्ट रहेगा, और गेमिंग के लिए अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना, एंड कैमरे का भी सोच के ले रहे हो तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे आराम से मार्केट में। बाकी इस फोन के बारे में आज इतना ही, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी वीडियो अगर यहां तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो भी चलती रहेगी, मैं भी चलता रहूंगा और आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।